राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह के दौरान मरणोपरांत 10 कीर्ति चक्र और 26 शौर्य चक्र प्रदान किए। कैप्टन अंशुमन सिंह को असाधारण वीरता के लिए मरणोपरांत कीर्ति चक्र से अलंकृत किया गया। कैप्टन अंशुमन ऑपरेशन मेघदूत के तहत सियाचिन ग्लेशियर में तैनात थे। वहीं राजस्थान के शहीद मेजर मुस्तफा और शहीद विकास भांबू के परिजनों को शौर्य चक्र प्रदान किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह 2024 में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। इस कार्यक्रम में 36 वीरता पुरस्कार प्रदान किए गए। अदता के लिए 10 कीर्ति चक्र, 7 मरणोपरांत और 26 शौर्य चक्र, 7 मरणोपरांत प्रदान किए गए। पुरस्कार पाने वालों में भारतीय सेना, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल एवं राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के अफसरान और जवान शामिल थे। इस मौके पर उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री सहित अन्य गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। कीर्ति चक्र शत्रु का मुकाबला करने के सिवाय असाधारण वीरता और शौर्य चक्र शत्रु का मुकाबला करने के सिवाय शौर्यपूर्ण कार्यों के लिए दिया जाता है। कीर्ति चक्र से सम्मानित इंस्पेक्टर जीडी दिलीप कुमार दास मरणोपरांत, हेड कांस्टेबल जीडी राजकुमार यादव मरणोपरांत, कांस्टेबल जीडी बबलू राभा मरणोपरांत और कांस्टेबल जीडी शंभू राय मरणोपरांत, सभी 210 कोबरा सीआरपीएफ के हैं। अंशुमान सिंह आर्मी मेडिकल कोर 26वीं बटालियन पंजाब रेजिमेंट मरणोपरांत, हवलदार अब्दुल मजीद 9वीं बटालियन पैराशूट रेजिमेंट विशेष बल मरणोपरांत, मेजर दिग्विजय सिंह रावत 21वीं बटालियन पैराशूट रेजिमेंट विशेष बल, मेजर दीपेंद्र विक्रम बसनेर 4वीं बटालियन सिख रेजिमेंट वैशौर्य चक्र से सम्मानित कांस्टेबल सफी उल्लाह कादरी मरणोपरांत, पुलिस अधीक्षक मोहनलाल जम्मू और कश्मीर पुलिस से हैं।